हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माही गार्डन। आप सब लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग गार्डनिंग कर रहे होंगे और मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मधुमालती के अपने फ्लावर। तो ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, इसका जो प्लांटर टूट गया था वही ये मधुमालती का प्लांट है। तो मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस बार इसमें फ्लावर भी आएंगे, तो लेकिन आए हैं देखिए, और अभी और आएंगे। क्योंकि एक तो इसका जो प्लांटर था वो भी टूट गया था, और दूसरा ये जब तूफान आया था तो प्लांट भी टूट गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये अभी ग्रीन हो चुका है, बीच में ये बिल्कुल डाउन हो गया था, लेकिन इसमें भी छोटी छोटी कलियाँ और आ रही हैं। और देखिए ऐसे गुच्छों में इसके पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, पिंक, और पहले वाइट होते हैं फिर ये पिंक हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए, अगर आप लोग अपने गार्डन में आर्च बनाना चाहें तो तभी भी इस बेर को लगा सकते हैं इजीली। तो इसका आप प्लांट ख़रीद लीजिए और ये कटिंग से भी लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने तो ये जो प्लांट ख़रीदा था ये 50 रुपीज़ का यहाँ दिल्ली में तो मिल गया था मुझे आराम से, मतलब जो माली भैया थे उनसे ही मैंने ये ख़रीदा था। तो आप लोग भी इसको लेके और थोड़ा सा बड़ा पॉट देके उसमें ही आप इसको लगा लीजिए, और बिल्कुल इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपने इसको टेरेस पे भी रखना है तो गर्मियों का भी इसमें कोई असर नहीं होता, मतलब ख़राब नहीं, ये प्लांट नहीं होता है। जून में भी ये ऐसे ही लगा हुआ था ग्रीन बिल्कुल, लेकिन इसको इसमें आ जाते हैं फ्लावर सितंबर में। इस बार इसमें थोड़ी देर से आए हैं फ्लावर, क्योंकि बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था ये प्लांट, और अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो रही है। बीच में इसमें फूल आए थे एक दो बार, लेकिन वो बिल्कुल कम आए थे और अब फिर वो ख़राब हो गए थे। तो आप लोग भी मधुमालती को ज़रूर से अपने गार्डन में लगाइए, बिल्कुल ग्रीनरी इससे हो जाती है गार्डन में। ये देखिए और ये देखिए, और ये दूसरा वाला मधुमालती का प्लांट है, अभी इसमें फ्लावर नहीं आए हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट, तो आप लोग भी इसको ज़रूर से लगाइए। और ये देखिए यहाँ पे ग्रीन चिली भी लग रखी हैं। हाँ, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ तो मैंने तोड़ दी हैं, और ये देखिए कुछ हैं, और कुछ ये रेड होने वाली हैं अभी। ये देखिए ये रेड होने वाली है ना, और तो और मैंने सब तोड़ लिए हैं। तो आप लोग भी, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, तो आप लोग भी मधुमालती को लगाइए बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल में, और इसमें डेली आपको पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी थोड़ी ज़्यादा पसंद है। और इसको ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा ही पानी ना डाल दें, कहीं ये ख़राब हो जाएगा प्लांट। तो इसमें नॉर्मली जहाँ पे धूप, जैसा हम गर्मियों के इलाके में हैं तो हमें डेली इस पर पानी डालना पड़ता है। और इसको ये अभी विंटर में इसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये पूरा प्लांट ये सूख जाएगा। फिर सूखने के बाद इसमें अप्रैल में, होली के बाद इसमें, फिर मार्च अप्रैल में इसमें ग्रोथ हो जाती है, फिर इसमें फिर से ग्रोथ होकर फ्लावर आ जाते हैं। और ये देखिए, ये है मेरा अपराजिता का प्लांट, एक ये है इसके बगल में जो मैंने सीड से ग्रो किया था। तो ये मैंने बड़ा इसको जब से प्लांटर इसका चेंज किया था, तो तब से देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और ये बर्ड नेस्ट है, इसमें कुछ अभी बर्ड आ नहीं रही है, तो ये देखिए। तो और ये है मॉस रोज़ का एक प्लांट जो नीचे ख़राब हो रहा था, और मैंने इसको अब धूप में रख दिया है। तो अपराजिता का जब से मैंने इसका चेंज किया है प्लांटर, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये देखिए, और फिर से देख लेते हैं अपने मधुमालती के प्लांट को। तो इसमें आपने क्या करना है, बस आप पूरे ईयर में जब तक ये रहता है आपके पास एक साल तक, तो इसमें दो बार आपने अच्छे से कंपोस्ट डाल देनी है। तो बिल्कुल इसमें, और इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल हार्डी प्लांट है ये, आप इसको लगाइए। और छत में चाहे इसको लगाएं, चाहे बालकनी में लगाएं, और बिल्कुल इसे ग्रीन रहेगा और बहुत अच्छा लगता है ये। तो वैसे भी जो ये बेलें होती हैं, ये मधुमालती की, अपराजिता की, ये बहुत अच्छी लगती हैं, ये अलग अपने में एक अलग लुक देती हैं गार्डन में। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर ऐसे ही प्लांट लगाती हूँ। और मनी प्लांट है, मधुमालती है, अपराजिता है, तो यही प्लांट आप लोग
भी लगा सकते हैं। और जो न्यू गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लांट है, क्योंकि बिल्कुल हार्डी है, आप लगाओगे और इसमें डेली पानी दोगे तो, और साल में दो बार कंपोस्ट दोगे तो बिल्कुल अच्छे से ये प्लांट आपका चल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।